डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो कि प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आए हुए हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में और मेडिकल एग्जाम्स में। और ये क्वेश्चन जो है वो आईआईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का पेपर और आईआईटी मेंस का पेपर आने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले के वीडियो आपने सारे सारे देख लिए हैं और डेफिनेटली आपको उनसे फायदा होने वाला है। तो चलिए क्विक रिवीजन करेंगे आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक जो है वो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है। इस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में मैंने एक काम और किया है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, या नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, या फिर नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वो सारे भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो एक्चुअल में क्या है कि आपको एक बात मालूम है कि अगर कार्बन में लगातार जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन क्या कर रहा है, लगातार डबल बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसको क्यूमुलेटेड पॉलीइन कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटेड पॉलीइन कहते हैं। और इसको एक नाम देते क्या है, एलिन्स नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या कह गया, एक एलिन दिया गया है और उस एलिन का आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने sp2 और sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो आपको एक बात पहले भी बताई थी कि कार्बन अगर एक डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और अगर एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये वाला सिग्मा बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिग्मा यहाँ पर हो गए। और इस पर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी वजह से इस पर हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कार्बन क्या करेगा, सिग्मा बनाएगा, और इस पे 2 सिग्मा बना रहा है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो टोटल वैल्यू 2 आएगी। 2 में 1 s होगा और 1 p होगा sp। इसी तरह से ये और ये सेम है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और 1 sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। इसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखिए कहीं से भी काउंट कर दिए तो 1, 2, 3, ठीक है ना, 1 के बाद इन है और 2 के बाद इन है, तो ये एक्चुअल में डाइन है और 3 है कार्बन, तो प्रोपा हो गया। तो ये हो जाएगा प्रोपा डाइन हो जाएगा, और कौन सा डाइन होगा, 1,2-डाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बाद एक कंपाउंड ये दिया गया 1,3-ब्यूटाडाइन। 1,3-ब्यूटाडाइन में आपसे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं, और एक दूसरे कॉम्पिटिशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो 4 कार्बन आपने लिए और 1 और 3 पोजिशन के बाद डबल बॉन्ड बना दिया, और उसके बाद सबको हाइड्रोजन से बॉन्डेड कर दिया। अब ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये वाला sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब मैं सबसे प्लेनर बोल रहा हूँ, मतलब कि सारे के सारे एटम जो है वो क्या है, एक प्लेन में है। और जब एक प्लेन में तो टोटल एटम कितने हैं, 10 है, तो 10 एटम जो होंगे वो क्या हो गए, एक प्लेन में आ जाएंगे, पहली बात। दूसरी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो अगर स्ट्रक्चर से आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो ये 9 आएंगे, और पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो 2 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या किया गया, आपसे हाइब्रिडाइजेशन बोला है कि कितने कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, और साथ में इसका आईयूपीएसी नेम भी पूछा गया है दूसरे कॉम्पिटिशन में। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें एक कार्बन ये वाला sp हाइब्रिडाइज है। देखिए कार्बन जो होता है, मैंने आपको बोला कि 2 पाई बॉन्ड अगर रखता है, कार्बन अगर 2 पाई बॉन्ड रखता है का मतलब या तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है या फिर वो 2 डबल बॉन्ड बनाता है, उस केस में उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, sp होता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो ये वाला कार्बन जो होगा वो कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है, ये वाला sp हाइब्रिडाइज है, इस कार्बन ने भी ट्रिपल बनाया sp हाइब्रिडाइज है, और ये वाला कार्बन 2 डबल बना रहा है इसलिए sp हाइब्रिडाइज है, यानी टोटल sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो होंगे वो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको नाइट्राइल लिखते हैं। तो हमने अगर काउंटिंग की तो ये 1, 2 और 3, 4, तो इधर तो हमें 4 कार्बन मिलेंगे, इधर जाएंगे तो 3, 4, 5, 5 कार्बन मिलेंगे, इधर साइड जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा साइड में हो गया, और साइड में क्या हो गया, 2 कार्बन का आयन है तो ये इथाइनाइल हो गया। अब इथाइनाइल लगा कहाँ पर है, 2 के बाद लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 इथाइनाइल, ठीक है ना, 2 इथाइनाइल। अब आ जाओ मेन कार्बन चेन में, मेन कार्बन में 3 के बाद इन है और 4 के बाद इन है, तो 3, 4 डाइन हो गया, बट किसका हुआ, पेंट का, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे 3 इथाइनाइल पेंटा 3, 4 डाइन, और ये हो जाएगा 1 नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इस कंपाउंड में जो है आपसे पूछा गया है कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन में कितने 2 डिग्री जो है वो सॉरी कितने 3 डिग्री कार्बन है।
तो आप 2,3-dimethylbutane का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देखेंगे ये कार्बन जो होगा उसमें क्या है, ये कार्बन तीन कार्बन से बॉन्डेड है, तो तीन कार्बन से बॉन्डेड होने की वजह 3 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो ये भी कार्बन कैसा 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन जो है वो कितने हैं, 2 कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कीटो इनॉल फॉर्म दी गई, देखिए ये इन है ये ऑल है, इनॉल हो गया और ये फॉर्म जो है उसकी कीटो हो गई, यानी कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिन को शो कर रहा है। कंपाउंड का अगर हम नाम लें तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है ना, ये हो जाएगा इथाइल और ये पार्ट हो जाएगा एसीटो और ये पार्ट हो जाएगा एसीटेट, ठीक है ना, तो इथाइल एसीटो एट है, ई ए ए है। ठीक, अच्छा इसमें क्या किया गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछे गए और इसका आईयूपीएसी नेम भी हम लिख लेंगे क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है, तो अगर आप इसमें नंबर ऑफ सिग्मा पाई किसी भी एक में आप काउंट कर लेंगे वो दूसरे में भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड यहाँ पर जो होता है वो रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ से जो एटम है वो मूव कर जाता है, तो भाई अगर सिग्मा पाई बनाएगा तो पाई सिग्मा बनाएगा, टोटल मिला के बॉन्ड उतने ही रहेंगे, तो हमने यहाँ पर बॉन्ड सिग्मा कैलकुलेट किए तो वैल्यू आती 9 है और पाई बॉन्ड जो है वो कितने 2 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक पाई बॉन्ड ये है एक पाई बॉन्ड जो है वो ये है। अब हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, तो देखिए ये क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट है और ये है क्या है, एस्टर है, एसीटेट एस्टर है। अब अगर मैं बात करूं एस्टर में और अगर कीटो में बात करूं तो प्रायोरिटी रूल जो लगता है वो किसका लगता है, एस्टर पहले आता है और कीटो जो है वो बाद में आता है। एस्टर का अगर आईपीएसी नेम मैं सोचूं, नॉमेनक्लेचर अगर मैं ओपन चेन में सोचूं तो वो हो जाएगा एल्काइल एल्केनोएट, यानी ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ एल्काइल है और बाकी पूरे का नाम क्या होगा, एल्केनोएट नाम होगा, बट एल्काइल इथाइल के बाद एल्केनोएट आने में यानी कि ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोएट आने में 3 पे ऑक्सो लग गया है, 3 पे अगर आप देखें तो सी डबल बॉन्ड डो ग्रुप लगा है यानी ऑक्सो लगा हुआ है, तो फिर इसका नॉमेनक्लेचर जो होगा वो हो जाएगा इथाइल 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इथाइल और ये 3-ऑक्सोब्यूटेनोएट, इस पर साइड चेन लगी है एल्केनोएट में, मतलब एक साइड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसको माना है 3-ऑक्सो कर देंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है लगा हुआ है और ये मेन है, तो यहाँ इसके बगल वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की लॉन्ग चेन मिल गई जिसमें 5 और 6 पे आपको मिथाइल मिलेगा, तो नाम हो जाएगा 5,6-dimethyl हैप्ट टू इन। इसके बाद इस कंपाउंड को अगर हम देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टर्मिनल पे है, पहली प्रायोरिटी इसी को मिलेगी कार्बन को, तो 1, 2 अब हम अगर मिले 3 के बाद 4, 5, 6 ठीक है ना, और इधर पे अगर हम आते हैं तो 4, 5, 6 बट हमको 6 कार्बन में एक साइड चेन भी मिल गई यहाँ पर, तो जब एक साइड चेन मिल गई तो फिर हम इधर साइड आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 4 पे देखिए ये इथाइल है 2 कार्बन का और 3 पे देखें तो 1, 2, 3 प्रोपाइल है, ठीक है ना, और ये टोटल के टोटल हेक्सीन है, तो ये हो जाएगा 4-ethyl-3-propyl-hexene। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये 1 यहाँ पर डबल बॉन्डेड, इसके बगल वाले कार्बन को यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ना, 4 के बाद आप देखेंगे 2 कार्बन है इथाइल है, 3 के बाद जो है वो मिथाइल है, तो 4-ethyl हो जाएगा 3-methyl हो जाएगा और हेक्स 2 के बाद इन है, हेक्स 2 इन हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो टर्मिनल पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं और यहाँ पे टर्मिनल पे ट्रिपल भी लगा हुआ है, ठीक है ना, अब अगर आप यहाँ पर सोचें तो मान लो कि अगर मैं ऐसे जाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे को 6 कार्बन की चेन मिल रही है और अगर मैं डबल बॉन्ड से काउंट करता हूँ तो मुझे 7 कार्बन की चेन मिल रही है, तो मैं फिर डबल बॉन्ड से काउंट करूंगा और मेरे को प्रायोरिटी वैसे भी डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा ही होती है अगर पोजीशन सेम होती है तो, ठीक है ना, तो यहां से मैंने क्या किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक। अच्छा अब 3 पे मेरा क्या बन गया, 3 पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लगा है, इथाइनाइल लगा है, तो 3 पे लग गया इथाइनाइल और बाकी कोई साइड चेन नहीं, हेप्टा और इसके बाद 1 के बाद इन है 6 के बाद इन है तो 1,6-diene हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल मीथेन का आपसे स्ट्रक्चर पूछा है, तो चूंकि हम आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम भी लिखेंगे। तो देखिए विनाइल जो ग्रुप होता है, विनाइल ग्रुप जो होता है वो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू होता है, आप यहाँ पर एक सी एल लगा दो तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ये विनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। फिनाइल ग्रुप आपको पता है क्या कि आप अगर बेंजीन में
एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो ये फिनाइल बन जाता है, यानी C6H5 होता है बेंजीन का और ये हो गया फिनाइल ग्रुप। उसके बाद में आपसे कह रहे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंडरी कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। अब इसके सेकेंडरी कार्बन पे आपने क्या किया, ये लगा दिया बॉन्ड लगा दिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। ठीक, तो भाई अब एक कार्बन, ये मेरे पास मीथेन है, मीथेन से मैंने क्या किया फिनाइल लगा दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिया और फिनाइल लगा दिया, तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो बन जाएगा किसका, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल फिनाइल विनाइल मीथेन का। अब हम इसका आईपीएसी नेम दें तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में आपको समझ में आती है ये पूरी की पूरी चेन जो है वो कैसी है, वो जो है वो साइड मतलब वो मेन चेन में आ जाएगी। काउंटिंग यही शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 के बाद आ जाएगा जाके आपके 4, 5 और ये 6 में आएगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसमें देखें तो 3 पे मेरे पास फिनाइल है और 1 के बाद ये है, ठीक है ना। 4 पे अगर मैं देखूं, अगर मैं 4 पे देखूं तो 4 पे मेरे पास ये जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, मिथाइल है। तो नॉमेनक्लेचर इसका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 4 मिथाइल, इसका नॉमेनक्लेचर जो आएगा वो हो जाएगा 4 पे हो जाएगा मिथाइल, 3 पे फिनाइल और हेक्सीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको काउंट करके यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट को अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें मेन फंक्शन जो है वो साइनाइड है, हालांकि कीटो भी है, बट आपको याद आ रहा है कि नाइट्राइल की प्रायोरिटी जो होती है वो कीटो से ज्यादा होती है। तो हमने काउंटिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 यानी 4 पे हमको ऑक्सो मिल गया और 2 पे 2 डाइमिथाइल मिल गया, तो भाई हो जाएगा 2 डाइमिथाइल, फिर 4 ऑक्सो और ये हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे पेंटेन में ये नहीं हटा है, क्यों, क्योंकि एन जो है वो कैसा है, कॉन्सोनेंट है, सही है ना। इसके बाद नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर को रिवाइज करेंगे, इसमें अगर हम देखें तो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और यहाँ पर कीटोन ग्रुप भी है, बट आपको याद आ रहा है कि प्रायोरिटी जो होती है वो एल्डिहाइड की कीटोन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काउंटिंग यहीं से करेंगे, वैसे भी टर्मिनल पर फंक्शन ग्रुप है जिसमें क्या है कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। 2 पे मिथाइल हो गया, 3 पे क्या हो गया ऑक्सो हो गया और ये पूरा का पूरा कैसा हो गया, हेक्सीनल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 कीटो 2 मिथाइल, हेक्सीन हेक्स 4 इनर हो जाएगा और या फिर 2 मिथाइल 3 ऑक्सो, इसको आप दूसरी तरह भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल 3 ऑक्सो 4 हेक्सीनल, ठीक है ना। इसके बाद इस वाले की अगर हम बात करें तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप सिंगल डबल ओएच कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है 1, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6। अब आप यहाँ पर देखो 3 के बाद इन है और 5 के बाद आयन है। आपको एक बात याद आ रहा है कि किसी कंपाउंड में अगर इन और आयन दोनों होते हैं और वो मेन चेन में आते हैं तो ऑलवेज उनका नॉमेनक्लेचर इन आयन लिखा जाता है, इन आयन। तो यहाँ पर भी इन आयन को ही हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, 3 पे साइड अगर हम देखें तो साइड में क्या है लगा हुआ है, इथाइल लगा है और 4 पे साइड में देखें तो क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है और 2 पे साइड में देखें तो क्या लगा, हाइड्रोक्सी लगा है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइनोइक एसिड। देखिए मैंने आपको पहले बोला कि हम इनाइन के फॉर्म में लिखेंगे तो इनाइन हो जाएगा, तो इनाइन में आयन और इन की पोजीशन अलग अलग उनके साथ लिखा और आयन के साथ ओइक एसिड लगेगा क्योंकि वन पोजीशन पे है, तो यहाँ पर ओ चूंकि वॉवेल है तो इसलिए यहाँ से ई हट गया और इनोइक एसिड आयनोइक एसिड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर नॉमेनक्लेचर की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो है जो साइड जो आपकी ओपन चेन है उसके साथ एक रिंग लगी है, बट इस ओपन चेन में आप अगर देखो तो यहाँ पर जो है वो क्या लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है और रिंग लगा हुआ है। आपको अगर याद आ रहा है कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग में लगा होता है तो कभी भी उसके कार्बन से हम काउंटिंग शुरू नहीं करते हैं, जैसे मान लो अगर हम इसको शुरू इस तरह से करें तो ये काउंटिंग जो होगी वो नहीं होती है। काउंटिंग हमेशा जो होती है रिंग के बगल वाले कार्बन से होती है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले रिंग के कार्बन से होती है, यानी 1, 2, 3, 4 ये होती है। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस ग्रुप में हमारे पास जो चेन वाली है ये मेन ग्रुप हो जाएगा और ये रिंग जो होगी वो साइड में हो जाएगी। अच्छा अब मैंने क्या बोला, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, यानी मेरे पास ये जो है इथेनोन हो गया,
ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट इथेनॉल हो गया। अब इसके बगल वाले फंक्शन ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन रिंग को जो होता है हमने वन डैश नंबर दिया, क्योंकि वन नंबर हम यहाँ पर दे चुके हैं तो हम यहाँ पर वन डैश नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा वन डैश, फिर ये टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब टू डैश के बाद में इन है और फोर डैश के बाद इन है, ठीक है, और ये साइक्लोहेक्स है। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साडाइन हो जाएगा, और कौन सा डाइन होगा, टू डैश फोर डैश डाइन हो जाएगा। अब ये साइक्लोहेक्साडाइन लगा कहाँ पर है, वन कार्बन पे लगा है, और किससे लगा है, वन डैश से लगा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा वन कार्बन ये पेरेंट का है और वन डैश ये सब्सिक्वेंट का है। तो ये हो जाएगा वन डैश साइक्लोहेक्सा टू डैश फोर डैश डाइइनाइल, क्योंकि साइड को आप एल्काइल के फॉर्म में लिखते हैं तो ये एल्किनाइल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, इनाइल, और ये हो जाएगा इथेनॉन हो जाएगा। साइड को आप इसलिए और लिखते हैं क्योंकि भाई आप एक हाइड्रोजन जब आप हटा देते हो एल्केन से, आप जब एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एल्काइल बनता है ना। CH4 से जब आप CH3 लगाते बनाते हो, एक हाइड्रोजन हटाते हो तो मिथाइल बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइल के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में अगर आप देखो तो आपके पास एल्डिहाइड है, नाइट्रोन है, और एल्कॉक्सी एंड मिथॉक्सी है। इसमें एल्डिहाइड कैसा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसके कार्बन को वन नंबर देंगे, फिर ये टू हो जाएगा, ये थ्री, ये फोर हो जाएगा, यानी टू पे नाइट्रो लगा और फोर पे आपका लगा है मेथॉक्सी, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा क्या, फोर मेथॉक्सी, टू नाइट्रो और बेंजल्डिहाइड है, पूरा का पूरा क्या है, बेंजल्डिहाइड है। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड जो है, इस कंपाउंड में आपसे कहा गया है कि आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है फोर आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलीन का, आपको फोर आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलीन का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि आपने मेटाजाइलीन बनाया, मेटाजाइलीन का मतलब ये होता है कि जब बेंजीन रिंग में दो मिथाइल एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होते हैं, दो मिथाइल एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होते हैं, तो उस केस में हम इसको नाम देते हैं क्या, मेटाजाइलीन। अब आपने इसको काउंट कर दिया तो मान लो मैंने इसको कहा वन टू थ्री और ये फोर। अब इस फोर कार्बन पे हमने आइसोप्रोपाइल लगा दिया, तो फोर कार्बन पे हमने आइसोप्रोपाइल लगा दिया, तो अब ये हो जाएगा मेरे पास में फोर आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलीन। अब इसका IUPAC नेम लिखें, तो देखिए IUPAC नेम में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाएंगे, जो कि ये साथ दोनों ही क्या है, आइसोप्रोपाइल है और मिथाइल है, दोनों ही क्या साइड चेन है। तो अगर आइसोप्रोपाइल की हम बात करें तो आइसोप्रोपाइल जो है ये आई जो होगा पहले आएगा, एन बाद में आएगा। तो अब ये कार्बन चेंज होकर वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, मतलब कि टू फोर डाइमिथाइल है और वन आइसोप्रोपाइल है। तो इसका नॉमन क्लेचर जो होगा वो अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन आइसोप्रोपाइल टू फोर डाइमिथाइल बेंजीन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि साइड चेन को भी बाइफर्केट कर देते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं साइड चेन को भी बाइफर्केट कर देते हैं। तो अगर हम इसको वन दे रहे हैं तो हमें इसका नंबर लिखा वन डैश टू डैश लिखा, तो अब आइसोप्रोपाइल को हम लिख सकते हैं वन डैश मिथाइल लिखाएंगे, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल को लिख सकते हैं क्या वन डैश मिथाइल, और ये हो जाएगा क्या इथाइल, और ये वन पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसका दूसरा नॉन क्लेचर लिखा है, ये वन हो जाएगा, ये वन डैश मिथाइल इथाइल हो जाएगा, और फिर ये टू फोर डाइमिथाइल और ये बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो नाम आ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये पहला नाम जो है यही है ऑप्शन में, वन आइसोप्रोपाइल टू फोर डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन दूसरा नाम भी इसमें लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसके दो नाम जो है वो देख सकते हैं।